हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का हिंदी का पाठ चार, हमारे त्यौहार। ये है हमारे त्यौहार, एक कविता है। इस कविता के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हम सभी धर्म के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अगर हम सारे धर्मों के त्यौहार को मिलजुल के साथ में मनाएंगे तो इन त्यौहारों का महत्व भी बढ़ जाता है और हमारी खुशियाँ भी दोगुनी हो जाती है। और इन त्यौहारों के माध्यम से ही हम एक दूसरे के करीब आते हैं। हमारे अंदर का भेदभाव, हमारे अंदर का जात पात का जो भेदभाव हमारे अंदर या हमारे समाज में फैला है वो भी दूर होता है। तो इसी संदेश के साथ ये कविता दी गई है। इस कविता में हर त्यौहार के महत्व के बारे में बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग धर्मों के लोग अपना अपना त्यौहार किस तरीके से मनाते हैं और किस तरह से उस त्यौहार में हम क्या क्या करते हैं। तो चलिए कविता शुरू करते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। होली आई, होली आई, रंग बिरंगी होली आई, गुजिया खाओ रंग लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ। पहले कविता के अंश में होली के बारे में बताया गया है कि होली आई रंग बिरंगी होली आई, यानी होली रंगों का त्यौहार है। उसमें ढेर सारे रंगों से हम खेलते हैं, अबीर से खेलते हैं, रंग से खेलते हैं, बच्चे पिचकारी लेके एक दूसरे पर रंग डालते हैं। गुजिया खाओ, गुजिया यानी एक तरह की मिठाई है, गुजिया खाओ रंग लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ। होली में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुजिया खाते हैं, एक दूसरे को गले लगा के होली की बधाइयाँ देते हैं और बच्चे इस त्यौहार को बहुत इंजॉय करते हैं। देखिए इस चित्र के माध्यम से भी बताया गया है किस तरह से बच्चे पिचकारी लेके एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। दूसरा, कविता का दूसरा अंश में देखिए, दिवाली के त्यौहार के बारे में बताया गया है। अमावस की रात है काली, जगमग जगमग आई दिवाली, दीप जलाओ मिठाई खाओ, पटाखों को ना हाथ लगाओ। इस पंक्ति में, इन चारों पंक्ति में दिवाली के बारे में बताया गया है कि दिवाली हम अमावस की रात को मनाते हैं। अमावस की रात यानी जिस दिन आसमान में चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ तारे दिखाई देते हैं, उस काली अंधेरी रात में हम दिवाली मनाते हैं और ढेर सारे दिए जला के उस अमावस की काली रात को भी जगमग जगमग बना देते हैं। इस जगमग जगमग करती आई दिवाली यानी जगमगाती हुई दिवाली हम मनाते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाई खाते हैं, ये सारी पूजा पाठ करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम दिवाली में करते हैं, लेकिन उसके साथ हमें इसमें ये भी बताया गया है कि हम दिवाली में हमें पटाखों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, यानी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। तो इसमें चित्र के माध्यम से भी देखिए आपको दिवाली के त्यौहार के बारे में बताया गया है। जैसे बच्चे दिए जला रहे हैं, यहाँ मिठाई रखी हुई है, तो दिए जलाते हैं, मिठाई खाते हैं, पूजा करते हैं, पूरा घर को रोशनी से भर देते हैं दिवाली के दिन हम। और हमें ये भी बताया गया है कि पटाखों को हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, पटाखे नहीं जलाने चाहिए। आगे देखिए, अभी तक आपने दो त्यौहारों के बारे में पढ़ा, एक था होली, एक था दिवाली। अब हम ईद के बारे में पढ़ेंगे जो मुस्लिम धर्म का त्यौहार है, और होली और दिवाली हिंदू धर्म का त्यौहार है। सब मिलजुल कर ईद मनाओ, हिलमिल सबको गले लगाओ, ईदी अब्बा से ले आओ, मीठी मीठी सेवैया खाओ। कविता के इस अंश में ईद के बारे में बताया गया है कि सब मिलजुल कर ईद मनाओ। ईद का त्यौहार भी हमें सबके साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए। हम एक दूसरे को गले लगा के ईद की बधाई देते हैं। अब्बा, अब्बा शब्द का अर्थ है यानी पिताजी या पापा। ईदी अब्बा से ले आओ, ईदी यानी ईद के दिन जो बड़े होते हैं घर के, वो अपने बच्चों को पैसे के रूप में, किसी उपहार के रूप में ईदी देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हमें ईद मिलजुल के मनानी चाहिए, सबको एक दूसरे को गले लगा के ईद की बधाई देते हैं हम सब लोग एक दूसरे को, और बच्चे जो हैं वो ईदी अपने अब्बा से, अपने बड़े लोग से प्राप्त करते हैं, मांगते हैं, ले जाते हैं, और उस दिन हम मीठी मीठी ईद के दिन सेवैया भी खाते हैं। देखिए चित्र में भी दिया गया है किस तरह से बच्चे ईद के दिन एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। आगे देखिए, अब सिख यानी सिख का त्यौहार के बारे में बताया गया है। गुरु पूरब की छटा निराली, निराली शब्द का अर्थ होता है अनोखी, गुरु की वाणी सबने मानी, नगर कीर्तन में सब जाओ, सब मिलजुल कर झूमो गाओ। इस कविता के इस अंश में गुरु पूरब के बारे में दिया गया है, गुरु पूर्णिमा के बारे में दिया गया है जो ईसाइयों का त्यौहार होता है। तो गुरु पूरब की छटा निराली,
यानी गुरु पूर्णिमा की जो छटा होती है वो एक अनोखी होती है, एकदम निराली होती है। लोग जाते हैं अपने धर्म स्थान पे और वहाँ जाके पूजा पाठ करते हैं। गुरु की वाणी सबने मानी, यानी गुरु नानक साहब की जो उपदेश है, जो अच्छी बातें हैं वो सब मानते हैं और सबको माननी भी चाहिए। नगर कीर्तन में सब जाओ, यानी भजन करते हैं उस दिन सब लोग, नगर कीर्तन में जाके भजन भाव करते हैं, उनको याद करते हैं और सब मिलकर झूमो गाओ। इस दिन सब लोग झूमते गाते हैं, नगर कीर्तन में जाते हैं और इस दिन ये सबको पता है कि गुरु की वाणी माननी चाहिए, चाहे वो गुरु नानक हो या गुरु हो, उनकी बात सबको मान, उनके बताए गए मार्ग पे चलना चाहिए। तो इसमें यही सब बताया गया है। आगे देखिए कविता का आखिरी अंश। कविता के आखिरी अंश में ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन धर्म के त्यौहार के बारे में बताया गया है और त्यौहार है क्रिसमस का। क्रिसमस का त्यौहार है आया, सेंटा क्लॉज उपहार है लाया, मिलकर क्रिसमस ट्री सजाओ, मोमबत्ती जलाओ और केक खाओ। अब कविता का ये आखिरी अंश है। क्रिसमस का त्यौहार आया, क्रिसमस का जब त्यौहार आता है तो सेंटा क्लॉज उपहार लाता है और हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और केक बनाकर खाते हैं। तो क्रिसमस में हम यही सब करते हैं। सेंटा क्लॉज माना जाता है कि सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देते हैं, क्रिसमस ट्री बच्चे सजाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और केक खाते हैं। देखिए जिसमें चित्र के माध्यम से देखिए बच्ची किस तरह से क्रिसमस ट्री सजा रही है, बच्चा केक खा रहा है, सारे गिफ्ट रखे हुए हैं। देखिए अब कविता का आखिरी अंश जिसमें हमें महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। ये पूरे कविता का हमारा सार कह सकते हैं या कविता की शिक्षा कह सकते हैं। हम सबको करते हैं एक, प्यार बढ़ाते हैं त्यौहार, दूरी सभी मिटा देते हैं, पास पास लाते त्यौहार। जितने भी ये त्यौहार है उनका काम ही है कि हम सबको एक कर देना, यानी सब चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम सबको एक कर देना और हमारे बीच में प्यार बढ़ाते हैं ये त्यौहार, हमारे अंदर की जो दूरी होती है, आपस की जो दूरियां होती है उसको भी मिटा देते हैं और ये त्यौहार ही हमें पास लाते हैं। चाहे वो होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हो या क्रिसमस का त्यौहार हो, ये सारे त्यौहारों का काम, त्यौहारों को हमें मिलजुल के मनाना चाहिए, प्यार से मनाना चाहिए और इन त्यौहारों के कारण ही हम सबकी दूरी, आपस के भेदभाव खत्म हो जाते हैं। जैसे इस चित्र में दिया गया है सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के त्यौहारों को मना रहे हैं। ये देखिए आप चित्र के माध्यम से भी समझ लीजिए, सारे धर्म के बच्चे हैं दिखाई दे रहे हैं तो सब मिलजुल के किस तरह से हमें, इसी तरह हमें भी सारे त्यौहारों के, सभी धर्मों के त्यौहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए और आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये कविता पूर्ण हुई। आगे देखते हैं, इसके बाद है शब्दार्थ। शब्दार्थ के अंतर्गत आप पहला लिखेंगे गुजिया, जो एक तरह की मिठाई है, अब्बा यानी पिता और निराली शब्द का अर्थ होता है अनोखी। तो पहले आप कविता लिखेंगे, जैसे ये चार चार लाइन करके पैरा दिया हुआ है इस तरह से आप अपनी नोटबुक में कविता पहले लिख लेंगे, उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ में तीन ही शब्दार्थ है, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। पुस्तक अभ्यास देखते हैं, हेडिंग है पाठ को समझे, उसके अंतर्गत पहला प्रश्न, पंक्ति के सही अर्थ पर टिक लगाओ, यानी जो पंक्ति का सही अर्थ है उस पर हमें टिक लगाना है। पहला देखिए क, रंग बिरंगी होली आई, रंग बिरंगी होली आई, यह है प्रश्न। उसके आगे का विकल्प देखिए, पहला विभिन्न रंगों को होली कहते हैं, दूसरा विकल्प है होली रंगों का त्यौहार है और तीसरा विकल्प है होली का नाम रंगों से लिखते हैं। तो रंग बिरंगी होली आई, होली आई यानी होली रंगों का त्यौहार है, इस दिन हम रंगों से खेलते हैं, यह है सही विकल्प। दूसरा देखिए, पटाखों को ना हाथ लगाओ, यह है प्रश्न, पटाखे हाथ में मत लो, पहला विकल्प, पटाखे छूना मना है, दूसरा विकल्प और तीसरा है पटाखे मत जलाओ। तो इस पंक्ति का जो है पटाखों को ना हाथ लगाओ, इसका अर्थ है पटाखे मत जलाओ, ये सही विकल्प है। तो हमने यहाँ टिक कर दिया। आगे देखिए प्रश्न है, पास पास लाते त्यौहार, ये जो पंक्ति है पास पास लाते त्यौहार, इसका अर्थ है त्यौहार आने पे
सब साथ रहते हैं, त्यौहार हमें करीब लाते हैं, और तीसरा है त्यौहार पर दूर नहीं रहना चाहिए। तो त्यौहार हमें करीब लाते हैं, चाहे कोई भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सारे त्यौहार हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। तो ये है राइट, इसमें हमने यहाँ टिक कर दिया है, तो ये प्रश्न पूरा हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, उसके अंतर्गत पहला है मौखिक और उसके बाद है लिखित। लिखित और मौखिक दोनों प्रश्न उत्तर है, आपको दोनों नोटबुक में करना है, लिखित और मौखिक दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक का पहला, दिवाली पे हम क्या जलाते हैं, यह है पहला प्रश्न, आपको नोटबुक में लिखित रूप से मिल जाएगा। दिवाली पे हम क्या जलाते हैं, तो दिवाली पे हम दिया जलाते हैं या दीप जलाते हैं, यह है इसका उत्तर। दूसरा है नगर कीर्तन कब निकालते हैं, तो नगर कीर्तन कब निकालते हैं, तो नगर कीर्तन गुरु पर्व वाले दिन निकालते हैं। नगर कीर्तन जो गुरु पर्व जो सिखों का त्यौहार होता है उस दिन निकालते हैं। तीसरा है ईद पर हम क्या करते हैं, तो ईद पर हम सबको गले लगाते हैं और मीठी मीठी सेवैया खाते हैं। यह है प्रश्न, अब लिखित देखते हैं। ये हो गया उत्तर प्रश्न उत्तर मौखिक का, लिखित देखते हैं। क, होली पर हम क्या करते हैं, तो होली पर हम क्या करते हैं, ये देखिए उत्तर लिखा हुआ है, होली पर हम सबको रंग लगाते हैं तथा गुजिया खाते हैं। यह है उसका उत्तर। ख, ईदी कब और किससे मांगते हैं, प्रश्न है ईदी कब और किससे मांगते हैं, उत्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ईदी ईद वाले दिन मांगते हैं और अब्बा से मांगते हैं। तो ईदी हम ईद वाले दिन मांगते हैं और किससे मांगते हैं, अब्बा से मांगते हैं, या अपने से बड़े जो लोग होते हैं उनसे मांगते हैं। आगे देखिए ग प्रश्न, त्यौहार मनाने से क्या होता है, उसका उत्तर है देखिए यहाँ, त्यौहार मनाने से सारी दूरियाँ मिट जाती है तथा आपस में प्यार बढ़ता है, यह है इसका उत्तर। आगे देखिए प्रश्न 3, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, यानी कविता का कुछ पंक्ति दी हुई है, कुछ आपको लिखनी है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। क का देखेंगे पहले, अमावस की रात है काली, ये आपको लिखना है बुक में, अमावस की बुक में दिया हुआ है रात है काली। दूसरी लाइन देखिए, जगमग लिखा हुआ है, उसके आगे आप लिखेंगे जगमग आई दिवाली, और पंक्ति बनेगी जगमग जगमग आई दिवाली। तीसरी पंक्ति देखिए, दीप ये आपको बुक में लिखा मिलेगा, जलाओ मिठाई खाओ, ये आपको लिखना है बुक में, पंक्ति बनेगी दीप जलाओ मिठाई खाओ। उसके बाद लास्ट वाली पंक्ति क्योंकि पटाखों को न हाथ लगाओ, पंक्ति बन जाएगी, आपने लिख दिया पटाखों को न और हाथ लगाओ, ये बुक में लिखा मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रश्न हो, ये क वाला प्रश्न हल हो गया। ख देखते हैं, हम सबको करते हैं एक, ये आप पंक्ति लिखेंगे, हम सबको ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, करते हैं एक आपको लिखना है बुक में। दूसरा लाइन, प्यार बढ़ाते हैं त्यौहार, प्यार बढ़ाते है त्यौहार, प्यार बढ़ाते है त्यौहार, प्यार बढ़ाते, ये आपको लिखा मिलेगा, है त्यौहार आपको लिखना होगा। तीसरा देखिए पंक्ति, दूरी सभी मिटा देते हैं, ये बुक में लिखा मिलेगा आपको, दूरी सभी मिटा देते हैं बुक में है। और लास्ट वाली पंक्ति, पास पास लिखा है लाते त्यौहार, पास पास लाते त्यौहार, तो इस तरह से ये पंक्ति पूरी हो जाएगी। ख की पंक्ति अगर हम पूर्ण कर लेंगे तो पढ़ेंगे, हम सबको करते हैं एक, प्यार बढ़ाते हैं त्यौहार, दूरी सभी मिटा देते हैं, पास पास लाते त्यौहार, तो ये पंक्ति पूर्ण हो जाएगी। आगे देखिए हेडिंग है, भाषा को समझे, चित्र देखकर पढ़ो और समझो, चित्र देख के पढ़ना है और समझना है, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, भाषा को समझे। तो देखिए पहला है चित्र देखना है, क्या बच्ची कुछ खा रही है, गुजिया खाना, चित्र के माध्यम से देखिए
पहले में है गुजिया खाना। दूसरा चित्र देखिए, दीप जलाना, बच्चे दीप जला रहे हैं। तीसरा चित्र देखिए, रंग लगाना, बच्चे रंग लगा रहे हैं। तीसरे चीज में, पहले में गुजिया खाना, तीसरे में दीप जलाना, और तीसरे सॉरी पहले में गुजिया खाना, दूसरे में दीप जलाना और तीसरे में रंग लगाना। ये तीन चित्र दिए हुए हैं, तीन बातें लिखी हुई हैं। आगे देखिए, ये रंगीन शब्द काम का करना या होना बता रहे हैं। ये जो रंगीन शब्द है ये काम का करना या होना बता रहे हैं, यानी जो शब्द काम का करना या होना बताते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उसी से इसी ऊपर वाले से संबंधित है हमें प्रश्न किया गया है। अब चित्र देखकर लिखो इनमें क्या काम हो रहा है। अब चित्र देखना है और लिखना है क्या काम हो रहा है, और आपको हेल्पिंग बॉक्स भी दिया गया है, हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है, और उस हेल्पिंग बॉक्स की सहायता से यहाँ है हेल्पिंग बॉक्स, आपको चित्र देख के उसके कार्य को लिखना है। पहले में देखिए चित्र में, ये रहा चित्र, क्या कर रही है लड़की, क्रिसमस ट्री सजा रही है। तो पहले में हम लिखेंगे सजाना, यहाँ लिख देंगे। दूसरे में देखिए लड़की पानी पी रही है, तो हम दूसरे में लिखेंगे पीना। और तीसरे में लड़की नाच रही है, तो हम लिखेंगे नाचना। इस तरह से पहले में लिखेंगे सजाना, दूसरे में पीना और तीसरे में नाचना। तो ये हो जाएगा, क्रिया वाले शब्द हैं सब। आगे देखिए प्रश्न संख्या दो, कविता में से पांच नाम शब्द छाट कर लिखो। नाम शब्द यानी संज्ञा छाट के लिखना है, नाम शब्द यानी कविता में से संज्ञा शब्द छाट के लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे अब्बा, दूसरे में लिखेंगे गुजिया, तीसरे में लिखेंगे गुरु, चौथे में लिखेंगे मोमबत्ती और पांचवे में लिखेंगे मिठाई। तो इस तरह से ये पांच शब्द संज्ञा शब्द हम लिख लेंगे। प्रश्न संख्या तीन, में या मैं लगाकर वाक्य पूरा करेंगे। में या मैं लगा के वाक्य पूरा करना है। पहला देखिए उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है, होली में रंग लगाते हैं। तो जिस तरह से आप उदाहरण देख रहे हैं ठीक उसी तरह से आपको में या मैं दोनों में से कोई एक शब्द लगाना है, अक्षर लगाना है और पूरा करना है वाक्य। ख, दिवाली में मिठाई, दिवाली पर मिठाई खाता हूँ। यह है आपका शब्द, पूरा लिखा हुआ है वाक्य। अब इसमें हम लगाएंगे मैं, देखिए मैं, तो बन जाएगा मैं दिवाली पर मिठाई खाता हूँ। दूसरे में देखिए ये लिखा है सबके साथ प्यार से रहता हूँ, तो इसके खाली जगह में भी हम लिखेंगे यहाँ मैं। तो वाक्य बनेगा मैं सबके साथ प्यार से रहता हूँ। घ, सब नगर कीर्तन जाते हैं, ये लिखा हुआ है, बीच में हम लिखेंगे मैं सब नगर कीर्तन में जाते है। तो ये इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। चलो बात करें, यहाँ कुछ गतिविधि है, अभिनय कला, कुछ छात्र कामों का अभिनय करेंगे और बाकी छात्र पहचान को बताएंगे उन्होंने क्या किया है। जैसे कुछ लोग बन के अभिनय करेंगे और दूसरे छात्र बताएंगे, ये हम लोग क्लास की एक्टिविटी है, हम क्लास स्टार्ट होने के बाद करेंगे। जैसे फ़ोन मिलाना, गाना गाना, नाचना, लिखना या कोई भी एक्टिविटी करके आप बताएंगे, अभिनय करेंगे उस चीज़ के और छात्र बाकी छात्र पहचानेंगे। तो आगे देखिए रचनात्मक कार्य है, देखिए अब आप अपने मनपसंद त्यौहार पर कौन कौन से पकवान खाना पसंद करेंगे उनके चित्र ड्राइंग शीट पर चिपकाइए। अब इस रचनात्मक कार्य आपके लिए है कि अपने मनपसंद त्यौहार पर आप कौन कौन से पकवान खाना पसंद करेंगे और उस पकवानों के चित्र आपको अपने ड्राइंग शीट पे चिपकाना है। तो आप कर लेंगे ये उत्तर पुस्तिका में, या विभिन्न त्यौहारों के चित्र भी चिपका सकते हैं। अब सामाजिक विज्ञान से जुड़े, ये भी आप खुद से करेंगे। इस साल के कुछ त्यौहारों की तिथियाँ कैलेंडर से देखकर लिखो। कुछ त्यौहारों की तिथियाँ
आपको कैलेंडर से देख के लिखनी है, जैसे होली यहाँ 9 मार्च को है, ओनम, पोंगल, गुरुपुरब, क्रिसमस, ईद, ये त्यौहार कब पड़ेंगे इस बार, कौन से डेट को पड़ेंगे, तिथि उसकी आपको लिखना है। आप ये खुद करेंगे कैलेंडर से देख के, तो आपने कविता भी पढ़ लिया है, सारा पुस्तक अभ्यास भी समझ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।